मूवीज नेटवर्क में आज आप देखेंगे बॉडीज मूवी को। इस मूवी में आप देखेंगे दो भाई कॉली और जेफरी जो कि पैरामेडिक्स थे। ये दोनों भाई एक लड़की को किडनैप करके उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों भाइयों को कहती है कि वो उसे ना मारे, इसके बदले जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। आखिर में जो ये दोनों भाई उस लड़की के साथ करते हैं वो आपको चौंका देगा। इस मूवी की शुरुआत में हम दो भाई कॉली और जेफरी को देखते हैं। इन दोनों भाइयों ने एक हॉस्पिटल का रेडियो ट्रैक कर रखा था, जिसे कोई भी जख्मी इंसान अगर हॉस्पिटल में कॉल करता था तो वो कॉल इन दोनों भाइयों को सुनाई देता था। तभी एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करती है और वो उसे बताती है कि उसका हाथ टूट गया है। तो ये मैसेज सुनकर ये दोनों भाई अपनी एम्बुलेंस लेकर उस घर में जाते हैं और उस लड़की को एम्बुलेंस में अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एम्बुलेंस में जेफरी उस लड़की को बेहोशी की दवा देकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। वहां पर इस लड़की को होश आने के बाद ये दोनों भाई उसके पेट को फाड़ देते हैं और उसके सारे ऑर्गन्स निकालकर उसे बेच देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये दोनों जख्मी लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को निकाल कर उसे बेचा करते थे। इसके बाद हमें एक सिंडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ विकेट पर गई हुई थी, और तभी अचानक से सिंडी का पैर एक पत्थर पर से फिसल जाता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और वो हॉस्पिटल में कॉल करती है और इसे लेने के लिए वही दोनों भाई कॉरी और जेफरी आते हैं। और कॉरी इन सब लड़कियों को बोलता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ जख्मी लोग ही जा सकते हैं, इसलिए पेशेंट के अलावा बाकी सारी लड़कियों को यहीं रुकना होगा। इसके बाद ये दोनों सिंडी को अपनी एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस में जेफरी सिंडी को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद जेफरी सिंडी के सिर पर हाथ फेरता है, जिससे कि हम सबको पता लगता है कि जेफरी शायद सिंडी को कहीं जानता है। अब ये दोनों सिंडी को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं और उसके ऑर्गन्स को निकालने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही कौड़ी उस लड़की के शरीर को काटने के लिए जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, और ऐसा कौड़ी के साथ पहली बार हुआ है कि वो किसी लड़की को मारने में इतना सोच रहा है। ये देखकर जेफरी कौड़ी को बोलता है कि क्यों ना हम ये काम बाद में कर लें। इसके बाद कौड़ी वहाँ से चला जाता है और जेफरी फिर से उस लड़की के सिर पर हाथ रख के उसे सहलाता है। कुछ देर बाद जब सिंडी को होश आता है तो अपने आप को एक चैम्बर में बंद देखती है। वो कैमरा में देखकर कहती है कि प्लीज वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी नहीं सुनता। अब यहाँ पर सिंडी कुछ विक्टिम्स के कपड़ों को पहन लेती है। कुछ देर बाद सिंडी सो जाती है और तभी कौड़ी यहाँ पर आकर सिंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अकेली कौड़ी कितनी देर तक अपनी इज्जत को बचाता, आखिरकार वो हार जाती है। अब कौड़ी पूरी रात सिंडी के साथ गलत करता है, जिससे सिंडी को काफी तकलीफ होती है। अगली सुबह जेफरी सिंडी के पास आकर उसके शरीर पर लगा खून साफ करता है, लेकिन तभी अचानक से सिंडी को होश आ जाता है और वो जेफरी को एक लात मारती है। सिंडी जेफरी से कहती है कि क्या वो भी उसका रेप करने आया है। जेफरी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है। जेफरी को जाने के बाद सिंडी वो खाना खा लेती है। कुछ देर बाद ये दोनों सिंडी के पास आकर उसे बताते हैं कि वो उसकी टूटी टांग को ट्रेड करने के लिए आया है, लेकिन सिंडी कौड़ी की एक नहीं सुनती है, जिस पर कौड़ी बोलता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देगा। जब कौड़ी सिंडी के पैर को ट्रेड करने के लिए जाता है तो वो उल्टा उसके पैर को और तोड़ देता है, ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। सिंडी को काफी पेन हो रहा होता है और वो काफी चीख रही होती है। इसके बाद कौड़ी उसे मॉर्फिन दिखाता है और कहता है कि अगर उसे ये चाहिए तो उसकी हर बात माननी होगी। सिंडी उसकी हर बात मानने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद कौड़ी उसे मॉर्फिन देता है, लेकिन वो मॉर्फिन नहीं थी बल्कि बेहोशी की दवा थी, जिसे पीकर सैंडी बेहोश हो जाती है। इसके बाद कौड़ी उसके साथ गलत करता है। होश आने के बाद सिंडी उसे बोलता है कि वो उसके साथ ऐसा कब तक करता रहेगा, जिस पर कौड़ी बोलता है कि वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसका पूरा मन ना भर जाए। इसके बाद सिंडी उसे कहती है कि वो उसके साथ जो करना चाहता है वो कर सकता है, वो कभी इसके लिए मना नहीं करेगी, बस वो उसे बेहोश ना करे। ये सुनकर कौड़ी सिंडी से वादा करता है कि वो अगली बार से उसे बेहोश नहीं करेगा। कुछ देर बाद जब सिंडी कपड़े बदल रही होती है तो जेफरी उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे कपड़े बदलते देख कर अपना मुँह फेर लेता है, लेकिन तभी सिंडी कहती है कि वो अपना मुँह ना फेरे और उसके पास जाकर उसे गंदी तरह से टच करने लगती है, और सिंडी चॉकलेट उठाकर अपने होठों से लिक करती है, जिसे देखकर जेफरी को काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक से सिंडी जेफरी के प्राइवेट पार्ट को टच करती है। ये सब देखकर जेफरी वहाँ से भाग जाता है। ये सब चीज कैमरा में कौड़ी भी देख रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि सैंडी उसके भाई को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर जेफरी अपने कमरे में जाकर सो जाता है और उसे अब सैंडी से प्यार होने लग गया था। कुछ देर बाद जेफरी फिर से उस रूम में आता है, जिसे देखकर सैंडी उसे अपने पास सोने के लिए कहती है।
वो उसे कहती है कि वो उसे काफी अच्छा लगता है। ये कहकर सैंडी उसे किस करने लगती है और उसके साथ एंटीमेट भी होती है। सैंडी उसे पूछती है कि उन्होंने उसे अब तक क्यों जिंदा रखा है। ये सुनकर जेफरी उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये उनकी बहन थी। उनकी पेरेंट्स की मौत के बाद ये तीनों भाई बहन एक साथ रहा करते थे और ये तीनों एक साथ सोया भी करते थे। लेकिन कॉलेज में जाते ही कौड़ी दूसरी लड़कियों को घर लाने लगा। ये सब देखकर उनकी बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो बीमार पड़ गई। इसके कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। वो फोटो देखने के बाद सैंडी समझ जाती है कि उसकी शक्ल उसकी बहन जैसी मिलती है, इसलिए ये दोनों उसे नहीं मार रहे हैं। अब अगले दिन कौड़ी एक लड़के को अपने साथ लाए होते हैं जिसके ये दोनों ऑर्गन्स निकालने वाले थे। कौड़ी सिंडी को बांध देता है और कहता है कि अब वो एक लाइव शो देखने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों उस लड़के को लाते हैं और उसे होश में लाकर उसके ऑर्गन्स निकालने लगते हैं। वो लड़का काफी चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर सिंडी को बहुत बुरा लगता है। सिंडी ये सब देखकर सदमे में आ जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान की बुचलिंग देखी थी। रात को कौड़ी जेफरी से कहता है कि आज उसका मन कुछ लजीज खाने का कर रहा है, क्यों ना वो मार्केट जाकर कुछ ले आए। जेफरी जब मार्केट जाता है तो कौड़ी सिंडी के पास आकर उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया। उसने उसके भाई को अपनी तरफ कर लिया है सिर्फ मुंह और प्राइवेट पार्ट की वजह से, तो आज वो इन दोनों को बंद कर देगा। अब कौड़ी उस रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है। उस गैस की वजह से सैंडी बेहोश हो जाती है। इसके बाद कौड़ी उसका मुंह और प्राइवेट पार्ट सुई धागे से सिल देता है ताकि वो दोबारा उसके भाई को अपनी तरफ ना कर पाए। जेफरी वापिस आकर जब सिंडी की इस हालत को देखता है तो उसे अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कौड़ी उसे कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया बल्कि ये लड़की उसे फंसाने का काम कर रही थी। अब जेफरी जल्दी से कौड़ी के सिले हुए सारे टांके को काटता है। जेफरी को कौड़ी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है, इसलिए वो उसके सिर को जमीन पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच सिंडी को होश आ जाता है, तभी वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर जेफरी पर हमला कर देती है और जेफरी भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सही मौका देखकर सिंडी किसी तरह से यहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इन दोनों को होश आने के बाद कौड़ी अपने भाई को संभालता है और उसे कहता है कि वो लड़की बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं थी। अब यहां पर ये सीन कट हो जाता है और एक साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। यहां पर दिखाया जाता है कि एक जख्मी लड़की हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसे लेने के लिए कौड़ी और जेफरी आते हैं, जहां पर ये दोनों लड़की उस पर हमला कर देती है। वो देखता है कि ये दोनों लड़की सिंडी और उसकी दोस्त हैं। अब ये दोनों लड़के उन दोनों भाइयों को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। कौड़ी अपने भाई को बंधा हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है। कौड़ी सिंडी से कहता है कि ये सब उसकी गलती थी, वो उसके भाई को ना मारे, उसे जाने दे। लेकिन सिंडी उसकी एक नहीं सुनती। अब सिंडी उसके सामने सबसे पहले जेफरी के ऑर्गन्स निकालते हैं, इसके बाद कौड़ी के। इन दोनों के ऑर्गन्स निकालकर बाहर जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक डिलीवरी मैन ऑर्गन्स पिकअप करने के लिए आया था, जहां पर सिंडी उसे कहती है कि बस वो 5 मिनट और इंतजार करे। इसके बाद सिंडी ऑर्गन्स लेने के लिए चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, ये मूवी काफी अंडररेटेड है, इस मूवी को एक बार आप जरूर देखें। इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट मिल सके।